हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सर, आज की क्लास में क्या सिखाने वाले हो? एडमिशन चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला बच्चा सोचता है कि कोई भी वीडियो देखने से पहले कि सर क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो देखे, वरना तो हम फिर क्यों टाइम वेस्ट करें। ओहो, इंक निकल गई है, देखो। ठीक है ना, ये हालत है। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो तो हाँ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये मत सोचना कि अरे चलो ठीक है, आज के बाद समस्या खत्म हमेशा के लिए। एडमिशन चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा के लिए खत्म। आज के बाद आप किसी को भी बता दोगे, है ना, छोटे बच्चे को भी समझा दोगे कि हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बैठो चलो मैं कराता हूँ तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना एक बार जाके, क्योंकि न्यू पीएसआर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, मैंने विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद एग्जाम्पल समझाए हैं, सारे एग्जाम्पल लिख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं करना बेशक। ठीक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है और आने के पूरे चांस है। ठीक है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे चीजें करने वाला हूँ, तो एकदम से अच्छे तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 3 केस होते हैं। ठीक है ना, कितने केस पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर? सर 3 केस पढ़ने वाले हैं, लिख लेना नोट्स। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ केस नंबर 1 की। केस नंबर वन किसकी बात करता है उसको समझेंगे। सबसे पहला केस नंबर वन कहता है प्राइवेटली। प्राइवेटली यानी प्राइवेटली क्या होता है सर? ये प्राइवेटली का मतलब इतना होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई और जेड, और एक नया पार्टनर एडमिट होता है। मैं हर चीज एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, उसके पीछे कारण है, एमसीक्यू भी आएंगे पेपर में। ठीक है ना, और वहां पे प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूछते हैं, है ना। फिर आपने रट्टा हुआ होता है तो फिर समझ में नहीं आता कि अरे यार ये क्या दे दिया भाई, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं, है ना। तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, और मान लेते हैं मिस्टर डी है, ये एडमिट हो रहा है, एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हम लोग, है ना। अब इसको भी जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो 2 चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल का पैसा लेके आएगा और एक गुडविल का पैसा लेके आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुडविल की, है ना, तो गुडविल के पैसे की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं उसको बोला गया कि भाई तुम्हें 40,000 रुपए गुडविल लेके आनी है, है ना। अब मिस्टर डी क्या करता है? ठीक है ना, एक्स से पर्सनली मिलता है और उसको कहता है भाई ये ले 10,000 यार, रहने दे गुडविल, 40,000 रहने दे। ठीक है ना, भाई कहता है, भाई को पर्सनली मिलता है, उसको कहता है ये ले 10,000 रहने दे। ठीक है ना, क्या करूंगा 40,000 लग के। जेड को मिलता है ये ले 10,000 पर्सनली। ठीक है ना, तो इस तरीके से सबको 10-10,000 दे के 10,000 का फायदा इसको हो जाता है। मान लेते हैं कि इस तरीके की चीज होती है, प्राइवेटली लेके आता है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्म को तो पता नहीं, मतलब ये भी चोर ये भी चोर ये भी चोर, लेकिन चोर एक दूसरे को थोड़ी बताएंगे कि मैं चोर हूं, है ना। है जैसे सब लोग बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं, हमेशा झूठ नहीं बोलते, है ना, कोई थोड़ी बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, है ठीक है। लेकिन लगभग सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि झूठ ना बोलते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्स वाई को नहीं बताएगा, वाई एक्स को नहीं बताएगा, जेड को नहीं बताएगा, है ना। तो इस केस में अब गुडविल तो लेके नहीं आए, प्राइवेटली काम हो रहा है सारा का सारा, इस केस में पार्टनरशिप फर्म को थोड़ी पता चला, तो ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने कराया, तो इसको लिख लो अच्छे तरीके से। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, एक बार आप इसको जरूर लिख ले, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 2 की। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 1 एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आ सकता, आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आपको बस एंट्री बना के दे रखी होगी, ठीक है ना, ऐसे ही गुमराह कर रखा होगा कि हाँ ये होएगा वो होएगा, बताओ कौन कौन से ऑप्शंस हैं, है ना। अब हम करने वाले हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 2 में कहता है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और वो गुडविल लेके आता है, और लेके भी आता है, और वो भी कैश में लेके आता है, तो इस केस में आप एंट्री कैसे बनाओगे? ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, और एक व्यक्ति है जो है डी, और डी है ना वो कैपिटल भी लेके आएगा, एडमिट हो रहा तो, है ना, और गुडविल भी लेके आएगा। अब इस केस में क्या एंट्री बनाओगे? तो इसमें ना 2 केस होते हैं, आपको देखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, इसके अंदर 2 केस होते हैं। एक को बोलते हैं रिटेन, ठीक है ना, कि गुडविल को रिटेन कर लिया, ठीक है ना, और एक को होता है कि गुडविल आई पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया,
ठीक है ना, तो ये वर्ड आपको देखने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, रिटेन या विड्रो। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो रिटेन का केस मानना है। इस केस में आपको दो एंट्री बनानी होती है और विड्रो के केस में आपको तीन एंट्री बनानी होती है। पहले इन दो एंट्री को समझेंगे फिर उन पे जाएंगे, है ना। पहले अब गुडविल और कैपिटल का पैसा लेके आए पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पैसा आया हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, वैसे तो बैंक यूज करना आप हमेशा यहाँ पे, ठीक है ना, कैश आया, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया, ठीक है ना। टू कहां से आया भाई, एक तो डी कैपिटल लेके आया, डीज कैपिटल अकाउंट, राइट, ठीक है ना, और गुडविल से, गुडविल का पूरा नाम लिखोगे प्रीमियम, ठीक है ना, फॉर गुडविल, ऐसे करके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। ये एंट्री बनेगी कि भाई कैश आया है, इतने रुपए कैपिटल लेके आया है डी, इतने रुपए गुडविल लेके आया, टोटल पैसा हमारे पास ये आया है, इसकी एंट्री पास कर देना। दूसरी एंट्री जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसको खत्म करना होता है, इसको डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एज्यूम कर रखे थे हमने एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ये एंट्री पास कर देंगे। कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर इसको हम कौन सी रेशो में बांटेंगे गुडविल को, यहाँ पे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करनी है। ये मान के चलो एडमिशन का चैप्टर है, आंख बंद करके हर जगह पे सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करनी है। एक जगह पे नहीं करते वो मैं अभी बताऊंगा, बाकी सब जगह पे सेक्रीफाइसिंग रेशो, जहां पे भी कंफ्यूजन आ जाए समझ जाना सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओके। हाँ, अब यहां पर हम चलते हैं, इधर आ जाते हैं, यहां पर तीन एंट्री होगी। पहली एंट्री ये ही होगी, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट कर दो इसको अगर विड्रो का केस है तो। दूसरी एंट्री आप सेम मत लिख देना, पेपर में लिखनी होती एंट्री, दूसरे केस में सेम दूसरी वाली एंट्री। तीसरी एंट्री, बस इसमें एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, मतलब ये एंट्री तो पास करनी है ही यहाँ पे दोनों, एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा चला जाएगा तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट करते ना टू कैश अकाउंट, है ना, क्योंकि विड्रो है ना, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कैपिटल कम हो जाएगी और पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। और ये एंट्री भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही पास करनी है, ठीक है ना, इतना काम हो गया। यस सर। अब ये तो हो गया इन कैश, अगर गुडविल कैश में लेके आता है रिटेन या विड्रो, अगर दोनों केस दे रखे दोनों बनाओ, ये एंट्री है, एक दे रखा है तो एक बनाओ जो भी दे रखा हो, कुछ नहीं दे रखा है तो यही वाला केस मानो, रिटेन वाला नॉर्मल। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसके अंदर एक चीज और होती है छोटी सी, वो भी समझा देता हूं। ये तो हो गया अलग से पूरा कॉन्सेप्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा रहता है कि इफ गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, ये लाइन लिखी रहती है कभी कभी, ठीक है ना, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, उस गुडविल का आप क्या करते हैं, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं उसका, उस गुडविल का, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, ये मतलब है इसका, है ना, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, गुडविल डेबिट होता है, ठीक है ना, एसेट्स है ना, तो क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड जेड कैपिटल अकाउंट, राइट। ये एंट्री है जो ओल्ड रेशो में आपको पास करनी होती है, यानी जो भी गुडविल दे रखी होगी ओल्ड रेशो में यहाँ पे उसको डिवाइड कर देना, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये है कैश का केस, ठीक है ना। अब हम चलते हैं केस नंबर थ्री पे, एक बार इसको लिख लो, एक दो बार रिविजन करो, हमेशा के लिए खत्म। हम मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, डोंट वेरी, ठीक है ना, तो एकदम वीडियो को ढंग से देखें, हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें। दो चार क्वेश्चन हो सके तो खुद भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, हमेशा के लिए ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 100% कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा, ठीक है ना, एग्जांपल दे दूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, डोंट वेरी। लेकिन दो चार क्वेश्चन अगर आप अपने 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 हाथ से बना लिया ना, हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। जड़ से खत्म करने का तरीका क्या है कि भाई थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। अब चलते हैं, ठीक है ना, केस नंबर थ्री के ऊपर। केस नंबर थ्री के अंदर क्या होता है, केस नंबर थ्री, ठीक है ना, केस नंबर टू के सबसे ज्यादा चांस होते हैं पेपर के अंदर आने के लिए, इसके नहीं होते लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं, पूछ लिया तो दिक्कत ना हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या एंट्री बनाते हैं, इसके लिए देखो गुडविल नहीं लेके आया, नॉट इन कैश, मतलब जो पार्टनर एडमिट हुआ है नॉट इन कैश, ठीक है ना। इसका मतलब है जैसे एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, कौन एडमिट हुआ था, मिस्टर डी एडमिट हुआ, तो मिस्टर डी जो है गुडविल नहीं लेके आया, ठीक है, कैपिटल लेके आया, गुडविल के पैसे नहीं लेके आया, तो क्या करेंगे। अब गुडविल नहीं लेके आया तो उसकी एंट्री तो पास नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे, यहाँ पर जो नया पार्टनर आया उसके कैपिटल अकाउंट पर डेबिट कर दो, उसके कैपिटल से पैसे काट लेंगे गुडविल के। लेकिन यहाँ पर मना कर रखा है कि कैपिटल वर्ड यूज मत करो, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट वर्ड लिखो। तो न्यू पार्टनर कौन है? जेड, सॉरी डी, डी करंट अकाउंट। तो डीज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, यानी डीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल, ठीक है ना, टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये लिख दो। और यहां पर ठीक है ना आप इसकी एंट्री कर देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि गुडविल तो लेके नहीं आया, तो गुडविल में कितना शेयर उसका होना चाहिए पहले वो निकाल लो, है ना, ठीक है ना। तो फिर वो जो है, ठीक है ना, यहां पर। और ये भी एंट्री किससे होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही इस एंट्री को हम करते हैं। अब मैं आ जाता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो चुका है 100%। अब आ जाते हैं, मैं एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी आ जाए, और दो चार क्वेश्चन आपको भी बना ले हैं, और हमेशा हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट खत्म। इसके 3 नंबर फ्री में, ऐसा लगेगा जब पेपर में आया कि अरे सर फ्री के नंबर आ गए थे हमारे, तो फ्री के नंबर नहीं है, ये मेहनत के नंबर है ना, ठीक है ना। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अभी तो हमेशा के लिए चीज खत्म हो जाएगी। चलो मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, और उस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। अब ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बोल देता हूँ इसके अंदर। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी और एक का नाम है सी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 4:3। इसको ओल्ड रेशो बोल दो, ये ओल्ड रेशो दे रखी है। और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका नाम है डी, और डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 के लिए। और डी अपना शेयर बी और सी से 1/4 को 3:4 की रेशो में लेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर और भी बता रखा है कि डी आएगा तो कैपिटल भी लेके आनी चाहिए उसको, और गुडविल भी लेके आनी चाहिए। अब हमें देखना है कि लेके आया या नहीं लेके आया। प्राइवेटली दी तो कोई एंट्री नहीं, लेके आया कैश में तो रिटेन या विड्रो क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर नोट इन कैश है तो फिर थर्ड वाला केस होगा। तो इसमें कैपिटल तो दे रखी है क्वेश्चन में 1,80,000, 1,80,000, और ये दे रखी है 42,000। 42,000 की गुडविल लेके आया वो, तो वैसी बात है कैश में लेके आया, तो केस नंबर 2 होगा। तो केस नंबर 2 में दो बातें होती थी, रिटेन या विड्रो, रिटेन या विड्रो। अब रिटेन या विड्रो के केस के अंदर हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो तो रिटेन मान लेना। तो यानी दो एंट्री बनानी है यहाँ पे, कौन कौन सी दो एंट्री बनाओगे? पहली एंट्री गुडविल लाने की एंट्री, कैश वर्ड यूज कर सकते हो, नॉर्मली बैंक करना चाहिए, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना, या बैंक अकाउंट डेबिट, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, दो एंट्री होती थी ना, कैश या बैंक वर्ड कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन बैंक ज्यादा अच्छा रहता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल लेके आया, डी कैपिटल भी लेके आया, तो कैपिटल लेके आया डीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा वर्ड लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट, ये लिखोगे। कैपिटल कितने की लाया है? 1,80,000 की, तो यहाँ पे 1,80,000 दिखा दो। गुडविल कितने की लाया है? 42,000 रुपए की, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ठीक है ना, 8 और 4 = 12, 2,22,000, 2,22,000, 2,22,000, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, याद हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ये एंट्री, और विद लॉजिक करना जैसे मैंने समझाया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कौन है? बी और सी, तो बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू यहां पे लिख देना है सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नीचे ले आओ, 42,000 था, 42,000 लिख दो। बी और सी के बीच में कौन सी रेशो बांटोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो में काफी बच्चे क्या करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का तो उन्हें बस फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। वो क्या कहते हैं कि ओल्ड रेशो तो अपने पास है, न्यू रेशो है नहीं, अब कैसे निकालेंगे? हमें नहीं पता सर, इसमें तो कोई तरीका नहीं निकालने का। या ओल्ड रेशो को ही वो सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेते हैं, जो कि इस केस में गलत है, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में मैं आपको बताता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। बी डी जो है अपना शेयर 1/4 बी और सी से इस रेशो में ले रहा है, तो ये लोग इसी रेशो में इसको दे रहे हैं। अगर आप मुझे 10 रुपए दे रहे हो, मैं आपसे 10 रुपए ले रहा हूं, तो आप मुझे 10 रुपए दे रहे हो, तो आप मुझे 10 रुपए सैक्रिफाइस कर रहे हो ना। मैं 10 रुपए आपसे ले रहा हूँ, यानी आप 10 रुपए दे रहे हो, तो आप 10 रुपए सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये इस रेशो में अपना शेयर दे रहा है, ठीक है ना, ये इस रेशो में अपना शेयर इनसे ले रहा है, तो इसी रेशो में ये लोग दे रहे हैं, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है ना, 3:4। तो 42,000 को 3:4 में बांट दो, यहाँ पे 18,000, 18,000
एंड दूसरा दे रखा है 24,000। ठीक है ना, डन। अब ये क्वेश्चन था, काम खत्म। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना था, क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पे ना आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी थी, ना कुछ और करना था। एंट्री है तो प्रॉपर तरीके से बना लेना फॉर्मेट में, और इसकी नरेशन जरूर लिखें एंट्री की हमेशा। आई होप क्लियर होगा आज। ठीक है ना, काफी ज्यादा तबियत खराब है लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ठीक है छुट्टी कर रखी है, छुट्टी का मतलब ये नहीं है ठीक है ना कि आपकी पढ़ाई रुक जाए। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आपको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी है। ठीक है ना, दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। ठीक है ना, अभी तक ढंग से नहीं पढ़ाई की है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ हर चैप्टर के अंदर। पहले सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको 100% करो, सारे कॉन्सेप्ट्स करो। वो पहले कॉन्सेप्ट करना जरूरी है। कुछ बच्चे डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा लेते, अटक जाते हैं बीच में। जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक कर दे, ठीक है ना, और क्योंकि भाई आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है ना, ताकि कोई बच्चा, जिसको एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मैं एक बच्चे के लिए भी काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो बेटा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।